प्रोयोग किताब 16 अध्याय 19 और 20 वचनों को आज मनन करेंगे। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र उछलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारा पांव के नीचे उछलवा देगा। समाधानती देव शीघ्र हमारे साथ आने उनके काल में पीले नसीब की बोलवा। परमेश्वर पहले से शैतान के ऊपर जय पा चुका है। जब यीशु मसीह को भेजा गया क्रूस पर हमारे पापों के कारण बलिदान हुआ, उस समय में बाइबल कहता है उसने शैतान के सिर को कुचल दिया है। उस विजय को हम लोग का जीवन में अनुभव करने के लिए परमेश्वर चाहता है। अंत व्यक्ति नमे दुनिया में दोनों शक्ति कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा वो भी प्रेम से कार्य कर रहा है। साथ ही साथ शैतान भी अपना जबरदस्ती में लोगों के अंदर दबाव डालकर धमकी देकर लोगों को ललचा कर वो भी कार्य करने के लिए कोशिश करता है। कूड़े लेकिन जो प्रभु के बच्चे बन गए, प्रभु में विश्वासी बन गए, उनके लिए वचन ये कह रहा है शैतान को आपके पाव के नीचे परमेश्वर लेकर आएगा। मतलब पूरा उसके ऊपर हम अधिकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारा राज्य अलग है। कुलुशर में बाइबल में पढ़ने पहले अध्याय में परमेश्वर ने शैतान की राज्य से छुड़ाया, हमें यीशु मसीह के ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश कराया है। अभी हम दूसरे राज्य के नीचे है। राज्य भले हम इस दुनिया में रहते हैं, नाम इस दुनिया के सरदार मतलब इस दुनिया जो ईश्वर मानते हैं वो शैतान है। वो हमारे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। अवन के नाम में अधिकार कड़े, लेकिन हमको उसके अधिकार दिया गया। आना नमक अधिकार अधिकार कहाँ से मिला है? अंत अधिकार नमक पड़े यीशु मसीह उस अधिकार में देता है। ये सुधा नमक अधिकार उनके नाम से हमें अधिकार है। नाम नमक अधिकार वो शैतान के ऊपर जय हासिल कर लिया है। अब शैतान जय उस विजय को हमारे लिए दिया है। अब जय से नमक इस दुनिया में रहते हुए एक भी पाप नहीं किया, केवल यीशु मसीह अकेला ही है। उनको भी पाप कराने के लिए शैतान परीक्षा कर रहा था। लेकिन वो सारे पापों में वो जय पाया है। आखिर में हम सबके लिए क्रूस पर अपना जान को बलिदान दिया है। कड़े
हम सबका पापों को बोझ वो अपने ऊपर ले लिया है। हमारे पापों का दंड वो ले लिया है। इस क्रूस के संदेश एक इंसान के लिए जरूरी है। उपदेश आवश्यक आपका जीवन में प्राण शरीर में पूर्ण छुटकारा चंगाई को लाने के लिए क्रूस की संदेश जरूरी है। உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே முழுமையான ரட்சிப்பை கொண்டு வருவதற்கு இந்த சிலுவையின் உபதேசம் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. குச்சு லோகோ ஜீவனே சைத்தானிக் பந்தன ஹே சில பேருடைய வாழ்க்கையிலே சாத்தானுடைய கட்டுகள் இருக்கிறது. கோய் பிமாரி ஹே சில வியாதிகள் இருக்கலாம். கோய் பாப் கி பந்தன ஹே சில பாவ கட்டுகள் இருக்கலாம். லேகின் குருஸ் கே சந்தேஷ் ஆஜ் ஆப்கோ சுடா சக்தா ஹே ஆனா இந்த சிலுவையின் உபதேசம் இன்றைக்கு உங்களை விடுவிக்க முடியும். आपको पूरा छुटकारा दे सकता है। இன்றைக்கு முழுமையான விடுதலை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். आपको धर्मी ठहरा सकता है। உங்களை நீதிமான்களாய் மாற்ற முடியும். அஷய கிருபன் லிखा है उनके ज्ञान के द्वारा काफी सारे लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। ஏசாயா 53 நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய ஞானத்தினால अनेक நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி. उनके அவரே அறிவினால அநேக நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டார். உங்கள் குருஸ் கே சந்தேஷமே ஜானா சாயே அவருடைய சிலுவின் உபதேசத்தை நாம் அறிய வேண்டும். வகை சே மானவ சாதிக்கு ஆசிஸ் கி சோதா பரமேஸ்வரன் தியா ஹே அந்த சிலுவின் உபதேசத்தின் மூலமாக தான் நமக்கு கிருபை ஊற்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. யான் லிக்ரே சைத்தான் கோ சீக்ர ஆப்கே பாவ கே நீச்சே குச்சல்வா தேவா இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது சாத்தான் கால் உங்கள் காலின் கீழாக சாத்தான் தலை உங்கள் காலின் கீழாக நசுக்கி போடுவார். சாத்மே ஆகே லிக்ரே ஈசு முசிக அண்ணுகிற அமேஷா தேரே சங்கிரே கூடவே இருக்கிறது ஆண்டவருடைய கிருபை என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கிறது என்று சொல்லி ஜோ ஈசு முசி கா அனுகிரக க்ரூஸ் கே சந்தேஷ் கே द्वारा க்ரூஸ் கி பலிதான் கே द्वारा उनके कृपा हमको फ्री में दिया गया है। ये ஆண்டவருடைய கிருபை அவருடைய சிலுவை மூலமாக நமக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம். ஜோ பி விஸ்வாஸ் करते हैं उनके ऊपर अनुग्रह प्रदान की जाती है। யாரெல்லாம் அதை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த கிருபை கிடைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वो लोगों के अधिकार मिल जाता है। अगर अधिकार शैतान के ऊपर अधिकार मिलता है। अधिकार लूका 19 में यीशु मसीह ने इस तरह से कहा। लूका 10:10 यीशु ने कहा देखो मैं सांप और बिच्छुओं को रौंदने के लिए शैतान के हर शक्ति के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूँ। இயேசு சொல்கிறார் இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் விதிக்கவும் சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். கோயில் பிச்சி செத்துமே ஹானி நை ஹோகி ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது. ஏய் அப்சல்யூட் பூரா சைத்தான் கி புறமே விஜய் ஆசிலம் கர் சக்தே இது முழுமையாக சாத்தானுமே நாம் செய்ய எடுக்க முடியும். லேகின் ஆஜ் குச் பாத்தோ கோ ஹம் மனன் கர்னா சாதே ஹே இன்றைக்கு நாம் சில காரியங்களை பற்றி தியானிக்க போகிறோம். இஸ் விஜய் கோ ஹம் கைசே சம்பாலே கைசே இஸ்தேமால் கரே கிஸ் தரிகே சே இஸ்மே ஹம் ஆகே பட் சகதே ஹே இந்த ஜெயத்தை நாம் எப்படி அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி நாம் அதை உபயோகிக்க வேண்டும் இதிலே நாம் எப்படி முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். கோயிலோ போல நீ பாஸ்டர் சிகரெட் மேரேஜ் சொன்னாய் பாரு சில பேர் சொல்லலாம் என்னுடைய பாஸ்டர் என்னுடைய சிகரெட் பழக்க வழக்கத்தை நான் விடவே முடியவில்லை என்று சொல்லி சொன்னாய் பாரு குடி பழக்க பழக்கத்தை நான் விட முடியவில்லை என்று சொல்லி இன்டர்நெட் கே சீஸ் முடிய சொன்னாய் பாரு இந்த இன்டர்நெட் பார்க்கிற இந்த காரியத்தை நான் விட முடியவில்லை என்று சொல்லி ऐसे कोई ना कोई चीजों में लोग बांधे हुए रहते हैं। तो उस समय में क्या हो जाता है शैतान पाप के नीचे रहने बजाय आपका सर के ऊपर बैठ जाता है। காலின் கீழாக இருக்கக்கூடிய சாத்தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யும்போது உங்கள் காலின் மேல் வந்து அவன் உட்கார்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ண இல்லாத்தா உங்களை அவன் ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். அவங்க ஜீவன் கோ கலத் தரிக்கமே கலத் ராஸ்தாமே லேகே சல ஜாதா உங்களுடைய வாழ்க்கை தவறான பாதைகளுக்கு அவன் நடத்தி செல்கிறார். தோ ஆப்கோ அப்னே பாரதி ஞாபகம் செய்ய உங்களுக்கு உங்களை குறித்து मालूम होना चाहिए तेरी वैंडर आप मैं ज्योति का संतान हूँ ना कोई राज्य तुड़े पड़े और
मुझे शैतान की प्रति का दिया गया है अधिकार को मेरे सिर पर नहीं पड़ेगा वो मेरे पाव के नीचे आएगा यही मेरे अधिकार है ये मेरा प्रिविलेज है मेरा विरास है परमेश्वर मुझे दिया है लेकिन शैतान लोगों को झूठ बोलकर बनाता है इसलिए यीशु ने कहा सच्चाई को जान लेना योहन्ना 8 में 32 में कहते सच्चाई को जान सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा और 8:44 44 में लिख रहे हैं शैतान झूठा है झूठ की पिता है झूठ का बाप है वो झूठ अपने आप से बोलता है वो अत्याचार है उसकी बातों को आप लोग मानना नहीं चाहिए तो देखिए शैतान अगर आपके पीछे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है आपके भलाई जैसे बोल रहा है आप समझ लीजिए जरूर आपका अत्याचार करने के लिए ही आपके साथ वो बात कर रहा है बचाने के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं नाम जन तपाल नाम उपदेश लेकिन वो फसाने के लिए लोगों के साथ मीठे मीठे बातें बोलता है अवन कंडी जन तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं तो मेरे बातों को कान लगा कर सुन लेना सच्चाई को जान लेना सच्चाई क्या सत्य यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ यीशु नमक्कार सिलुवையிலே மரித்தார் उसके द्वारा शैतान को जय हासिल कर लिया அதன் மூலமாக சாத்தான் மேல் அவர் ஜெயமெடுத்தார் इस बात को विश्वास करने वाला हर एक के लिए वो जय का वारिस बन सकते हैं அதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஜெயத்தின் வாரிசுகளாய் நாம் மாறுகிறோம் शैतान से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा शैतान से कोई नाता नहीं रहेगा रिश्ता नहीं है சாத்தான் ஓட நமக்கு எந்த வித ஒரு புள்ளி அளவுல உறவு இருக்காது இருக்க முடியாது क्योंकि उसके राज्य से बाहर आ गए उससे बड़ा राज्य ज्योति के राज्य महान परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश हो गए परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत सिंपल रहता है वहाँ लिख रहा है शांति का परमेश्वर शैतान को तेरे पाप के नीचे कुचलवा देगा मतलब शांति से कोल लेकर देंगे इतना कोई टेंशन नहीं रहेंगे आराम से क्विकली अनक्विकली शीघ्र जल्दी से ये चीज को परमेश्वर कर देंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा அவர் எந்த வித ஒரு கடவுள் பண்ணாதபடி சமாதானத்தோடு சாந்தத்தோடு எளிதாக சீக்கிரமாய் அவருடைய காரியத்தை செய்து முடிப்பார் சொல்லி நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் அவர் பரமேஸ்வர் ஜோபி கியா ஹை உஸ் பாதோ கோ விஸ்வாஸ் கர்னா ஆண்டவர் என்ன நமக்காக என்னென்ன செய்திருக்கிறார் அதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் குருஸ் கி பலிதான் கே துவாரா மே பாவோ கி க்ஷமா தியா ஹை और उसे क्रूस पर कीड़ों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने
प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतर कर फुलन फुलन तमाशा बनाया और खुद के द्वारा ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यहाँ एक वचन को इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। இந்த வசனத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. இயேசு மசீஹ் குருஸ் கே பலிதான் கே பாரே மே யஹான் பர் பதா ரஹே ஹே. இயேசுவினுடைய சிலுவை மரணத்தை பற்றி நடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कुछ लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, अरे आपके भगवान ही उसको मार दिया गया, आप लोग को भी मारेंगे, वो तो हार गया, ऐसा कुछ लोग बाहर की रीति से सोच रहे हैं। சில பேர் உலக ஜனங்கள் இப்படியாக நினைக்கிறார்கள், உங்கள் கடவுளே சிலுவையே மறித்து விட்டார், அவரை தேவன் மறிக்க வைத்து விட்டார், அப்படி எப்படி உங்களை ரட்சிக்க முடியும் என்று சொல்லி வெளியாக இப்படியாக யோசிக்கிறார்கள். ஏ மனம் உணர்ச்சியே குருஸ் கி பலிதான் கே துவாரா ஹி ஓ ஹம் லோகோ கோ பச்சாயா ஹை. ஆனால் இது தெரிய வேண்டும், அந்த சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக தான் அவர் நம்மை ரட்சித்தார் தப்பித்தார். யான் இருக்கிற உஸ் ஜப் குருஸ் பர் பலிதான் ஹுவே உஸ்னே एक इम्पोर्टेंट काम वहां पर किया गया है। विधियों का वाले जो हमारा नाम पर हमारा विरोध में था उसने मिटा डाला है। நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை அவர் குலைத்து நடுவு இல்லாதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் ஆணி அடித்து மக்கள் அமர விரோதமே அமரே ஜட்ஜ்மெண்ட் அமர பாபோ கா பிரதிபல அமர பாபோ கா தண்ட ஆஜ்ஞாதா அமர நாம் பர் லிக்காவா தே இஸ்கே லிய சஜா தியா ஜாயே ஜானா சாஹி இஸ்கே லிய சஜா அமர நாம் பர் தா அமர விரோதமே தா க்ரூஸ் கி பலிதான் கே துவாரா वो मीठा डाला गया है। दूसरा कोई उपाय कोई भी इस हमारे विरोध में लिखा हुआ बातों को हटा नहीं पाते थे। केवल परमेश्वर का मेमना होकर जो ईश्वर से आए उनके पवित्र लहू से हमारा सारे पाप मिटाया गया है। தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக அவர் வந்து அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாக தான் இந்த எழுத்தை அழைக்க முடியும் என்று சொல்லி தெரிய வேண்டும். ஜப் அமர விரோதி பாத்தே மிட்டா தியா கயா சாத்தான் கே அமர பர் கோய் பி அதிகார் நஹீ ஜாதா பாயா ஹை. நமக்கு விரோதமாக எழுதியிருந்த இந்த கையெழுத்தை அவர் அழித்ததினால் நாம் சாத்தானுக்கு நம்மை ஒரு அதிகாரம் இல்லை, அதிகாரம் செலுத்த முடியாது. இஸ்லே அகல 15 வச்சர் மிலிக்கிறே உஸ்னே பிரதான்தா ஒரு அதிகாரம் உப்பர் சே உத்தார் கர் உன்கா புள்ளம் புள்ளம் தமாஷா பண்ணாயா குருஸ் கே துவாரா உன் பர் ஜெய் ஜெய்கார் கி த்வனி சுனாயி. அதற்கு அடுத்த வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம், துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் முடிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையை வெற்றி சிறந்தார். சைத்தானுக்கு ஒப்பர் இன்டைரக்ட்லி எக் விஜய் பர்மனன்ட் விஜய் இயேசு மசீஹே கர் கர் பமாரே தேதியா ஹை. சாத்தான் மேல் மறைமுகமாக அவர் முழுமையாக அந்த வெற்றியை அவர் நமக்காக சுதந்திரித்து விட்டார். அமாரா விரோத மே தா ஜோ வியவஸ்தா கி லேக் பர்யட்டன் மாறினா நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தை பிரதிக்கு செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட வசனங்களை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும். ஐச வச்சனம் பிரதிக்காவோ சீக்னா செய்வோம். இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட பாடல்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Yeah.
आप प्रभु के संतान है, संगी वारिस है, ये सब चीज रोमियों को किताब में अच्छी तरह लिखने के बाद 16 अध्याय में आकर पौलुस बोलता है, शैतान को तेरे पाप के नीचे शीघ्र ही परमेश्वर कर देगा। रोमन एक्टिया ना पारे ग्रह मकर बनावे पर जी पारे सुबह स्वर्ग रहेगा इस सुली ये लेती है प्रगति रोमन पदना के सुली का साफ कहानी शीघ्र हमारे उम्र काल के नस्ती की बढ़वार सुली। तो हमें उस अधिकार वारिस बनाया, उसका बेटा बनाया, बेटी बनाया। हमको शैतान से डरना नहीं है, शैतान की ललसाई में पड़ना नहीं है, उसके धमकी में डरना नहीं है। हम प्रभु के बच्चे हैं, ये ज्ञान आपको हो जाएंगे, आप शैतान को अपने भाव के नीचे रख दोगे, शैतान आपके सर के ऊपर नहीं बैठेगा। कोई भी सामान लेकर आएगा मना कर दे रहेगा तो भी डरना नहीं है। वचन को लेकर झूठ बोल रहा था, इसलिए वचन को समझाने के लिए आपके लिए एक पास्टर, एक बाइबल टीचर, समझाने वाला एक प्रभु के दास आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कभी कभी शैतान आजकल ऐसे भी झूठ लोगों के मन में बोल रहे हैं, चर्च जाने के क्या जरूरी है, घर पे बैठ के पढ़ लेना, ऐसा भी शैतान लोगों के मन में इतना बड़ा झूठ बोलकर लोगों का अपने कब्जा में ले ले रहा है। इनकी पार्क्रम साहतान जाने में इपड़ याग वंजिक्रा सबे की सल रेडिये तो ये रास्ती मार रहे थे बीट ले इन्दे की वेले ते वासी करा पढ़ी करा मैंने सुनी आवन अवरे अवर अवन अवरे अधिकार कुपले कोट बने के तरह पार्क उनके झूठ अब मानने लगेगा उसकी कब्जा में आ जाओगे अवन अवरे कोई में नाम ये छुपने पड़े तो आदित्य नाम कीड़ पड़ी बोला आवन वो पार के नीचे रहने वाले आपके सर के ऊपर बैठ जाएगा। उसकी झूठ को मानना नहीं है, उसकी झूठ शुरू में बहुत अच्छा जैसे लगेगा, अच्छा जैसे दिखेगा, लेकिन बाद में वचन के अनुसार नहीं रहेगा। आपको पता चल जाना चाहिए झूठ है, मुझे नहीं चाहिए, शैतान चले जाओ, तुमको मुझे कोई नाता नहीं, तुम्हारा साथ मुझे कोई व्यवहार नहीं, बाप जाओ करके हम उसको आपके मन के अंदर आपको जय मिलना चाहिए। मनुले जय आप बोलेंगे बाहर ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, बाहर हजार समस्या होने दीजिए, मन में विजय हो गए और पूरा विजय हासिल कर लीजिए। मन में वचन रखो, पूरा विश्वास करो, विजय को आप अनुभव करोगे। मन जय हर इलाके में जय पाओगे। जो भी सुनसान लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, वहाँ प्रभु काम कर सकते। पांच रोटी से जब यीशु मसीह ने काफी सारे लोगों को खाना खिलाया था, उस समय में चेले लोग यीशु मसीह से इस तरह से बता रहे थे, ये तो जंगल है, ये सुनसान स्थान है, यहाँ पर खाना कैसे मिलेगा, आज भी लोगों के दिल में ऐसे संदेह
लोगों के मन में आ जाता है। இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட சந்தேகமான கேள்விகள் உங்களுடைய மனதில் வரலாம் और ये भी बोलते हैं यहाँ पर थोड़ा से ही है इतना लोगों के काम कैसे आएगा तो इप्पड़ी आपको ये क्वेश्चन चले बातें चल रहा है इन्हें ऐसे तरह कुछ ना इतने इतने बेर के अपने पड़े को मुड़े में सोली चल रहा है और ये बोलते हैं हमारे पास इतना ही पैसे है इस पैसे से 200 रुपए के लेंगे तो भी इतने लोगों का उपाय खाना नहीं दे पाएंगे सुनसान जगह या कुछ हो नहीं सकता हमारा पास रोटी है उससे काम नहीं हो सकता रोटी हमारे पास पैसा इस पैसा से भी जरूरत पूरी नहीं हो सकता ऐसे एक परिस्थिति में परमेश्वर उन लोगों को विश्वास की पाठ सिखाने के लिए चेले लोगों के साथ उसने ऐसे एक व्यवहार परमेश्वर ने किया था परमेश्वर के लिए आपके सुनसान जगह आपके जंगल की जगह कुछ है नहीं वो चीज उनके लिए कोई फर्क नहीं है ஆண்டவருக்கு वर्क उम्र वर्मय जो हाय नहीं उसको हाय करके बुलाने वाला परमेश्वर है छोटा से चीजों को लेके अद्भुत काम करने वाला है छोटा आदमी का 5 रोटी 2 मछली को लेकर 25,000 लोगों को खाना खिलाने वाला है और अपने 6 लोगों के हाथों से दिया वही लोग बांट के देने से अद्भुत काम होते रहा है देखिए परमेश्वर के अद्भुत काम में आपका भी एक भाग दिया जाएगा परमेश्वर अपने बच्चों को भी अपने अद्भुत काम में इस्तेमाल करना चाहते तो उनको एक बात देना चाहते तो वो शैतान को पाव के नीचे कुचल डाला था और यहाँ लिख रहे हैं तेरे पाप के नीचे भी शैतान को कुचल डालेगा तो वहाँ पर यीशु मसीह का तुम लोगों को खाना खिलाना है यीशु मसीह रोटी को लिया थोड़ा धन्यवाद किया चेले लोगों के हाथ में लिया जब वो देते रहे खाना दे रहा है आज हमारा आदमी जीवन की रोटी दिया है இன்றைக்கு நமக்கும் அவர் ஜீவ அப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஜீவ அப்பத்தை நாம ஜனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இஸ் கானா காக்கர் லோ விஸ்வாசம் மர்புத் ஹோ ஜாயேங்கே இந்த உணவை அவர்கள் சாப்பிட்டு விஸ்வாசத்தை அவர்கள் வல்லமையுள்ளவர்களாய் மாறும் பொழுது சைத்தான் கோ பகா ஜாயேங்கே சாத்தான் அவர்கள் விரட்டுவார்கள் சைத்தான் கோ சாமனா கரேங்கே சாத்தானை எதிர்ப்பார்கள் तो याकूब लिख रहा है परमेश्वर की आधी रहो शैतान पर सामना करो आपको छोड़कर भाग जाएगा शैतान से कोई बात नहीं करना है हमेशा यीशु मसीह जब भी जानते थे भगा देते थे एक बोलते छोड़ चले जाओ कुछ बात ही नहीं करने का है परमेश्वर के आदिम जब हम आ जाते हैं उसके राज्य के आदि में हो जाते हैं राज्य कलिसिया में उनके जो दिया गया पास्टर है जो भी आपके सेवक है
जो भी विश्वासी भाई बहन उनके संगति में उसके आदि में अगर आप आने लगते है शैतान को हिम्मत से सामना कर सकते हो आपके लिए अधिकार है आपका जीवन में शैतान हाथ नहीं लगा सकता है आपको धमकी नहीं दे सकता है तुमको दबा नहीं पाएगा केवल झूठ बोल के आपको भरमाना चाहता है उन्हें कोई वो अपना दिखाना चाहते हैं मुझे आपके ऊपर अधिकार है करके आपको ऐसा फेक झूठापन को बताना चाहता है अब उन्हें इपड़ी आप ये बाची है कि उन्हें अधिकार मिलते तो सही उन्हें ये बात से नहीं करा आप हमेशा वचन के ऊपर खड़ा रहना है उन्हें कि अपन में जब वासनती नाड़ी पड़ेगी लिखते बैठो तो आपको कहना चाहिए मैं यीशु मसीह के अंदर हूँ स्वर्ग राज्य के इंसान हूँ मुझे शैतान के ऊपर बुरा अधिकार है यीशु मसीह ने उस अधिकार मुझे दिया है वो शैतान के पुरुष ने जय हासिल कर लिया है अगर सातान में अगर जय विटा उस जय को मुझे दे दिया है अंत जय के विटा मैं परमेश्वर के आधीन रहूंगा ना देवर की कीड़ शैतान का सामना करूंगा सातान की एजेंट मुझे छोड़कर भाग जाएगा अब ये निमित्त वही पवन ये गाना है मालूम आपको शैतान का सामना कर भागेगा शैतान को सामना करो भागेगा शैतान को सामना करो भागेगा वो तो पहले से आया हुआ प्रार्थना से उसको जय देखिए परमेश्वर आपको विजय का उत्सव में ले जाना चाहते हैं उसने विजय हासिल कर लिया है अगर वेच्ची एड़ते बिटा उसका भाग हमें दे दिया है हमारा जीवन में अगर कहीं भी शैतान के कार्य हो रहा है उन्होंने वाक्य साधन ये आपके अज्ञानता के कारण हो रहा है परमेश्वर बोलते मेरे जनता अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं वो शैतान की झूठों को मानने लगते हैं अवरे सातान ने कोई एक नंबर आ गिरता है शैतान देने वाले कुछ चीजों को इस्तेमाल करने लगते हैं सातान कोड़कर अन कार्य में पूरी करे मगर उपयोग करते जा रहे हैं अभी एक बहन वो जिसे बाइबल स्टडी में गए थे वहाँ पर एक बहन उनकी गांव के बारे में बता रहे हैं நான் பைபிள் ஸ்டடிக்கு போன இடத்திலே ஒரு சகோதரி படியாக அவருடைய ஊரின் காரியங்களை பற்றி சொல்கிறார்கள் உன்கி காவிலே காவி मंडलियां है बहुत सारे क्रिश्चियन लोग है काफी सारे लोग प्रभु में आए हुए हैं उस मौन की मंडली के बारे में वो बहुत बता रहे थे ज्यादा एक करके वसवा गांव के सारे जातियों से काफी सारे लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किए हुए लेकिन उसमें एक दुख की बात ये है वो लोग जब यीशु मसीह में आने से पहले काफी सारे जादू टोना काफी सारे तंत्र मंत्र रस्सी बांधना नजर उतारना ये करना वो करना ऐसे जो बांधना ये चिटकाना ऐसे ऐसी चीजों को वो लोग पहले मसीह में आने से पहले वो लोग करते रहते थे अगर मैं ये तो ये செய்வினை பிரீசுனியம் தந்திரம் மந்திரம் கயிறு கட்டுகிறது சந்திஷ்டி கழிப்பது இப்படிப்பட்ட பல காரியங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார்கள் இயேசு மசீஹ் ஆணை கேட்பார் ஆனால் இயேசு நேரத்தில் வந்த பிறகு
कुछ लोग छोड़ दिए थे, सिला जाते विट्टे विटा रहे, कुछ लोग उसको अभी भी कर रहे हैं, सिला जाते इन्नो माले सही लोग बढ़ने करा रहे। तो करने का समय में क्या होगा? अरे निरस अबे अगर सही बोलते हैं ना तुम, शैतान उनका जीवन में कार्य करेगा, सातान अगर उन्हें वार क्रिए क्रिए सेवा, कभी कभी कुछ चमत्कार भी कर देगा। सर नेहरम अवन आपको दमों सही बोलेगा, चमत्कार कर दिया तो जरूर नहीं कि परमेश्वरी किया, आपको तो नरक में बिठा इधर नहीं के पुड़ा था आठ अगर ना आपको दमते सही दार सुनी। कभी कभी यीशु मसीह जैसे भी शैतान दर्शन दिखा सकता है। लोगों को बरमाने के लिए, जनंगले बंजी के बंजी पदकार। मैं कैसे बता रहा हूँ ना, ये पढ़ी सुनिएगा, क्योंकि ये सिनेमा एक्ट्रेस बोलते थे कुछ साल पहले यीशु मसीह मुझे दर्शन दिखाया, और सिनेमा अड़के ये पढ़िया सुनता है, कोई नारी कुंभदाग ये सिनेमा के दर्शन मारा सुनी, वो मुझे चंगाई कर दिया, अगर इन्हें विडवी था सुबह पड़ता, लेकिन उसका जीवन को मैं देख रहा हूँ, उसका जीवन यीशु मसीह नहीं है। आना अगर अपने वाइफ के पास मतलब अपने वाइफ के लिए ये तो ही लाइन कंधे कंधे नाटिंग कर रहे हैं, इसका दावरा आसिम जमाने पर अपना बड़ा बड़ा अपनी नाटिंग तो कर देते हैं, लोगों को सेक्सुअल लस्ट प्रवोक करने वाले गंदा काम अभी भी कर रही है, जानेंगे बेसी तरह तो कुंड पर तो कार्य कर इन्हों मगर सेल कर दान कर, तो परमेश्वर अगर एक इंसान के जीवन में काम करेंगे उस जीवन में एक पत्थर उठ लेकर आएंगे। आना बारे में आंट वह उन मनुष्य उन्हें वाइट के लिए क्रिया से या आराम किता अब उन्हें वाइट के मार वाले मरुदों का मार देना पार कर सौ टका यीशु मसीह को अपना जीवन दे देगा, नूर सदैव उन्हें वाइट के अब वाइट के ये तो कुछ पढ़ दे, परमेश्वर आपको पूरा शैतान से सौ टका पूरा छुड़ाएगा, जो गांव की बात ये है, वो लोग कभी कभी मन फिरते हैं, कोई बाहर से कोई सेवक आएगा मन फिरेंगे उठेंगे माफी मांगेंगे फिर दोबारा उसी चीज में लोग जाके फंस जाते हैं, அந்த ஊரின் படியாக சொல்லுகிறார்கள் அந்த மாதிரி செய்வதை காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிற அந்த ஜனங்கள் வெளியிலிருந்து ஏதாவது ஊழியக்கால் வரும் பொழுது அவர்கள் எழுப்புகிறார்கள் தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் மனம் திரும்புகிறார்கள் அதை விட்டு விடுகிறார்கள் சிலர் அதிலிருந்து விட்டு விட்டு வந்து விடுகிறார்கள் ஆனால் பல அதை மறுபடியும் செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம், ஜோ சீசை வச்சன் மே நெய் லிக்கே ஹுவே ஐசே அந்தவிஸ்வாஸ் மே शैतान की चीजों में अंधकार के कार्यों में जब जाएंगे शैतान उनके जीवन में कार्य करने लगता है, मारवाड़ी मारवाड़ी मानन काल काल मन्ने आए होते मुड़ी एड़ पदे सही बड़ी वही पदे ये बड़ी पट्टा कार्य के अंदर सही बढ़ते अंधकार की राज्य की माला में अब उन्हें वाट के लिए क्रिया से यार निकलते, इसमें परमेश्वर का गलती नहीं है, इधर आंदोलन तबर ये दू नहीं है, जो लोग सौता का प्रभु को समर्पण करने वाले शैतान की कामों को पूरा पूरा छोड़ देना चाहिए, कोई जगह नहीं देना चाहिए, यीशु मसीह यूहन्ना 14:30 में कह रहा है ये दुनिया का सरदार आ रहा है उसका मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, उसका सामान कुछ भी मेरे पास नहीं है, उसके साथ कोई मेरा नाता नहीं है, मैंने उसके सामान कुछ भी नहीं लिया है, काफी सारे चीजों देने के लिए मुझे कोशिश कर रहा था, अपन पगड़ कोई फ्री में दे रहे दो मिलेंगे ये दो मिलेगा दस भी मिलेगा बाद में जान निकल जाएंगे, अब इपड़ी आप सुनवा नोट वाला रेंड फ्री ओल्ड वाला पत्तु बड़े फ्री ऐसे सही आना इपड़ी चली उम्र ये माची फिर हम उन्होंने उइये और निडर करें ना पार कर शतर को सामना करना साफ साने ये दिल कर रहे हैं उसके सामान को नहीं लेना अब उन्होंने पोका पोई पर ना मान काम पड़ा है परमेश्वर दिया उस अधिकार में उस देव रहना आंटे नमक बढ़ता अधिकार से मेरे पाप के नीचे रहेगा मेरे सर के ऊपर नहीं बैठने दूंगा परमेश्वर मेरे संग रहकर शैतान से मुझे छुड़ाया है,
ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருந்து சாத்தானத்திலிருந்து என்னை விடுவித்தார் சொல்லி சங்காய் பாட்டுல என்ன பாட்டு பாடணும்? உன்னதி பிரகதி ஹர் பலைக்கு சீஸ் மேரே லிய பைபிள் மே லிக்காவா ஹை. ஜனங்கள் இப்படியாக சொல்கிறார்கள், என்னுடைய தலையெழுத்து என்னுடைய விதி இப்படியாக சொல்கிறார்கள், ஆனால் நமக்கு அறியில்லை. நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை அவர் குலைத்து விட்டார். அதை நம் நடுவிலே இல்லாதபடி அவர் சிறுவிலே ஆணி அடித்து விட்டார் என்று சொல்லி நாம் சொல்ல வேண்டும். இப்பொழுது எழுதியிருக்கிறது என்னுடைய உயர்வு, என்னுடைய ஆசீர்வாதம், என்னுடைய சமாதானம், என்னுடைய சந்தோஷம், என்னுடைய வெற்றி தான் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தலையில் என்ன எழுதியிருக்கு? சர்பர் கேலிகா. இப்பொழுது நம்முடைய தலை என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? மசிகா சந்தான நம்முடைய பதவி என்ன? சாத்தானை அழித்து போடுகிறவர். ஹம் தோ நார்மல் ஹியூமன் ஹமாரே பாஸ் லக் ரஹா ஹை ஹமாரே பாஸ் கோயி பவர் நஹி, லேகின் ஈஷு கே நாம் மே பூரா அதிகார் ஹை. நாம் பார்க்கலாம் சாதாரணமான மனிதர்கள் தான், ஆனால் இயேசுவின் மூலமா இயேசுவின் நாமத்தினால் நமக்கு முழுமையான அதிகாரம் இருக்கிறது. கவி தர்ணி எப்போவுமே நாம் பயப்படக்கூடாது. பிரபு கே தாஸ் அப்னா கவாய் பத்தா ரஹே தே. ஒரு தேவ ஊழியக்காரன் தன்னுடைய சாட்சி இப்படியாக சொல்கிறார். அப்னா சேவகாய் ஜப் ஷுரு கியே தே. அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்த நாட்களிலே அகல் பகல் மே காபி சாரே ஜாதுகர் லோக் வஹாம் பர் காம் கர்தே தே. அவர் ஆரம்பித்த நாட்களிலே சுற்றி இருந்த கிராமங்களிலே சுற்றி இருந்த இடத்திலே மந்திரவாதிகள் காரிய கிரிய செய்து கொண்டிருந்தார். ஜப் சர்ச் மே ஆயே விஸ்வாசி லோக் ஆகே பைட்னே லகே இதர் உதர் சிக்கன் ஹோதே நா சிக்கன் கா ஹெட் காட்டாவா இதர் உதர் சர்ச் பில்டிங் மே ஹர் ஜகம் மே படா ரஹா தா. சபையிலே விசுவாசிகள் வருவார்கள் பார்க்கலாம். சபையில அங்கங்கு சபை கட்டிடத்திற்குள்ளே கோயில் தலை வெட்டப்பட்டது அங்கங்கும் இருக்கிறதை
அவர் சொல்கிறார். தீரே தீரே சப் சீஸ் கத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மந்திரவாத தந்திர காரியங்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டது. ஓ பாத்மே தேகா பாய் அமரா பாத் கியோ நே ஓ ரஹே பாத்மே உஸ்மே சே பீ குச் லோ ஆகே சர்ச் மே ஆகே உத்தார் பாயே. அவர்கள் பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள், ஏன் நாம் மந்திரவாதிகள், ஏன் நாம் செய்கிற மந்திர தந்திரம் இந்த இடத்திலே வேலை செய்யாமல் போகிறது. தோற்று போன அவர்கள் பார்த்தார்கள். கொஞ்ச நாட்களுக்கு அவர்களும் ஒவ்வொருவராக ரட்சிக்கப்பட்டு சபை அங்கத்தினராய் மீட்டிங் மூலம் ஆயோஜித்தார். वो लोग भी कॉम्पिटिशन में बगल में ही बड़ा मीटिंग आयोजित कर दिए आपके ब्रदर ऐसा कैसे हो गया, हम लोग भी मीटिंग करते, वो लोग भी रख रहे हैं, फिर आपको तंग करेंगे, प्रॉब्लम होगी, कैंसिल कर देते हैं. तो प्रभु के दास ने बोला चलेगा रहने दो यार, रहने दो, मीटिंग हम भी रखते वो भी रखते, देखा जाएगा, शायद वहां से भी कुछ इधर आ जाएंगे, प्रभु अद्भुत काम करेंगे, मीटिंग चला लेंगे, करेंगे मीटिंग. மீட்டிங் ஆயோஜித்து ஏசு ஒவ்வொருடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார், விமானங்களுக்கு பலிதான்
வியாதிகளுக்காக மறித்தார். புறா புறா சுக்கார தெரியா मुझे अधिकार दिया है शैतान के ऊपर पूरा अधिकार है अधिकार वो मुझे बरमा नहीं पाएगा मैं सच्चाई को जानता हूँ ना सत्य मैं परमेश्वर के अधीन रहता हूँ ना आंडवर के कीड़ पड़ी दिखे प्रभु की बातों को मैं मानता हूँ ना आंडवर वार्ते प्रभु के दास की बातों को मानता हूँ प्रभु के बच्चों लोगों की बातों को मैं मानता हूँ इसलिए शैतान मेरे विरोध में कुछ नहीं कर पा रहा है मैं विश्वास में मजबूत बन के रहता हूँ विश्वास इसलिए मैं शैतान का सामना करता हूँ भले वो शेर के समान दिखता होगा लेकिन उसका दांत निकाल दिया गया है सांप के जैसे दिखता होगा दांत निकाल दिया गया है विच जैसे दिखता होगा उसका डंग काटा गया है विश्वास करेंगे जैवन का जीवन व्यतीत करेंगे मुझे कुछ भी कर नहीं पाएगा प्रभु का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर पाएगा कोई भी दोष नहीं लगा पाएगा दंड नहीं दे पाएगा दंड नहीं दे पाएगा दंड नहीं पड़ तो मुड़िया ये हमारे अंदर विश्वास है नाम विश्वास प्रभु मुझे पहले से चुन लिया है
मैं नाश करने वाला हूँ, उसको मैन्युफैक्चर करने वाला नहीं हूँ, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। सातान आगे पीछे तूने मुझे कुछ लोगों को शैतान दिख रहा है, कुछ लोगों चलो आगे पीछे सर पर बैठा है नहीं, यीशु आपके आगे पीछे गए, यीशु आपका हाथ अपने सर पर रखा है। इस बातों को देखिए, इसको विश्वास कीजिए, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। सर बढ़िया सर आप यार हमें मुन्न पिन्नमाग यार हमें सूंदुள्ளார் தேவன்தா நம்மை சூழ்ந்துள்ளார் ஆனால் இன்றைக்கு பலருடைய வாழ்க்கையிலே சாத்தான் முன்னும் பின்னுமாக சூழ்ந்துள்ளதை பார்த்து பயந்து போயிருக்கிறார்கள். இதை நீங்கள் நன்றாக புரிய வேண்டும். அவனுக்கு நம்மே அதிகாரம் கிடையாது. परमेश्वर मुझे घेर रखा है, इस बात को पूरा विश्वास कीजिए, विश्वास और ये प्रार्थना करते हैं। कोई भी जोर से प्रार्थना அதிகாரம் செலுத்த முடியாது. जीवन में सैतान तीर पर बैठा हुआ है, आज ये वचन एक एक को स्वतंत्र करे, एक एक को स्वतंत्र करे, शैल में दीवी अपने अपने जीवन से सब ये दूरा शियांतर से का दो का चौदह दूसरा करने को दो का चौदह ऐसे वचन को लेते हुए सैतान को सामना करने के लिए एक एक बच्चे को आज एक प्रकटीकरण हो जाए, आज एक एक का जीवन में छुटकारा हो जाए प्रभु, सैतान को झूठ को प्रभु आज कोई भी विश्वास ना करे प्रभु, अभी तक जो जो लोग विश्वास करके उनको अधिकार दे के रखता है आज सब लोग यीशु के नाम से यीशु के लहू से वापस उस अधिकार को छीन ले, ले बार श्याम दरबा सातानिक ईश्वर लाभ के लिए आप मिलित पड़े மல்கா
Amen.